ग्वालियर में गुर्जर आंदोलन के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है, जिसको लेकर के पुलिस चौकन्ना हो गई है। पुलिस ने 2000 से अधिक पुलिसकर्मी मेला ग्राउंड और उसके आसपास तैनात किए हैं। पुलिस का कहना है कि राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पास किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है और जो भी लोग बिना अनुमति के किसी भी तरह का कार्यक्रम करेंगे उनके खिलाफ में आचार संहिता उल्लंघन की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 25 सितंबर को हुए उपद्रव के बाद से पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए और उसे टालने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। ये किसी का कॉल नहीं है और सभी गणमान्य लोग जो हैं तकरीबन उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि क्योंकि इसकी अनुमति है नहीं, अनुमति हो नहीं सकती और शहर का अमन चैन, जिले का अमन चैन उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सब लोगों ने कॉल किया है, लोगों को समझाइश दी है, अपील की है अलग अलग माध्यम से कि ऐसा कोई कार्यक्रम है नहीं। पर कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो आने की कोशिश करें, जिनको या तो सूचना ना हुई हो या उनको ऐसा किसी ने रोका नहीं, अगर हो सकता है तो वो हो सकता है कर रहे हों। बाकी ऐसा कोई कार्यक्रम है नहीं, हो नहीं सकता और ये समाज के लोगों ने भी बड़ा स्पष्ट किया है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि मीडिया हो या जनप्रतिनिधि हो, सब लोगों ने मिलकर के इस बार बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को बताने की कोशिश की है कि ऐसा किसी भी कार्यक्रम की अनुमति है नहीं, इसलिए वो भाग लेकर के परेशान होंगे तो इसमें परेशानी से बचें। ये हमने पूरी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई, शहर में एंट्री करने वाले जो रास्ते हैं उन पर भी पॉइंट लगाया है और जो मेला ग्राउंड और आसपास में जाने वाले रास्ते उन पर भी लगाया है। हम लोगों ने पहले भी बताया है कि इस तरह का कोई विधि, कोई अनुमति नहीं दी गई है और आचरण संहिता लगी हुई है, इसका हम सख्ती से पालन करवाएंगे क्योंकि पहले भी उपद्रव हो चुका है। तो मेरा सभी को सलाह यह है कि बिना कारण के और अवैधानिक रूप से किसी सभा में आने के लिए या यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए ना आए और जो जहाँ पर है वो वहीं रहे और किसी के बहकावे में नहीं आए। अलग अलग तरह की पोस्टें डल रही हैं, किसी तरह की अनुमति नहीं है और फिर उसमें सख्ती से कार्रवाई होगी और जो लोग इस तरह की अवांछित गतिविधि में शामिल आएंगे उन पर फिर अलग से भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी।